हे गाइस, वेलकम ऑन बोर्ड टू प्रथम पग द फर्स्ट स्टेप। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे माउंटेन्स, इंडिया के जो जो माउंटेन्स हैं, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स जैसे काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, क्या है क्या नहीं है। सो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया। कि माउंटेन सिस्टम गाइस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में NDA, CDS, CAPF, सिविल्स, किसी भी एग्जाम में देखो तो वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि अरेंज द माउंटेन्स नॉर्थ टू साउथ। तो उस केस में अपने को इस चीज़ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। मोर ओवर, बींग अ डिफेंस एस्पिरेंट, वी नीड टू बी अवेयर कि हमारे इंडिया में कौन से माउंटेन्स हैं, और एक सिटीजन के हिसाब से भी पता होना चाहिए गाइस। और जब माउंटेन्स के बारे में पढ़ लेते हैं तो उसके बाद रिवर सिस्टम पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले गाइस देखेंगे नॉर्थ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट, देन वी विल गो टू द ईस्टर्न पार्ट, एंड देन ये पेनिनसुलर इंडिया जो थोड़ा डेंजरस सा है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको इस फोटो में दिखवाना चाहता हूँ, सबसे ऊपर वाली इमेज में, कि ये देखो यहाँ पे एक पामीर नॉट है। हाँ, और इसके दो एक्सटेंशंस निकले हुए हैं, दो क्या मल्टीपल एक्सटेंशंस हैं। तो एक जो हिंदू कुश वाला एक्सटेंशन है, ये पूरा आपको अफगानिस्तान में दिखेगा, यहीं पर तालिबान के फाइटर्स अपने जिहाद को अंजाम दे रहे थे। और इधर आप अगर इसके पामीर नॉट्स के लेफ्ट एक्सटेंशन को देखोगे तो यहाँ पे कुनलुन माउंटेन्स दिखेंगे। कुनलुन माउंटेन्स चाइना में हैं। उसके बाद इसके ऊपर देखोगे तो अल्तुन शान है, एंड एक इसके बाद है तियन शान। तो आप इसको कैट से याद रख सकते हो, कैटरीना गैफ, कैट, ऐसे याद रखना कि कुनलुन शान, अल्तुन शान एंड तियन शान। तो एक ट्रिक हो गई कि ये माउंटेन्स का साउथ टू नॉर्थ एक्सटेंशन, दैट इज कैट, कुनलुन शान, अल्तुन शान, तियन शान। तो हिमालयाज पढ़ने से पहले ना गाइज, अपने को एक चीज पता होनी चाहिए, दैट इज ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज क्या है गाइज? ट्रांस हिमालयाज, तो हिमालयाज के फॉर्म होने से पहले जो लैंड अपलिफ्ट हुआ था ना, उसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालयाज। ओके, तो ट्रांस हिमालयाज में गाइज चार माउंटेन रेंज है, उनके नाम याद रखो। सबसे पहले है ये है, ये देखो मैंने ये बना रखा है, अभी मैं इसको येलो से हाईलाइट करूंगा। तो ये देखो काराकोरम, देन लद्दाख, लोकेशन इधर उधर हो सकता है गाइस थोड़ा बहुत, हाँ, देन जांस्कर, एंड फाइनल चौथा माउंटेन रेंज जो इंडिया के बाहर है वो है कैलाश रेंज। तो एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट ऑफ ट्रांस हिमालयाज। तो आप कल को बोलोगे कि नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर एंड कैलाश। ये यहाँ पर है गाइस नॉर्थ टू साउथ। ओके, फर्दर अगर हम लोग देखें गाइस, तो ये तो हो गया हिमालयाज की ट्रांस हिमालयाज। इसके अलावा गाइस अपने को एक चीज पता होनी चाहिए कि हिमालयाज को ना हम लोग तीन हिस्से में बांटते हैं। तो सबसे पहला जो हिमालयाज है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेटर हिमालयाज। कौन से हिमालयाज गाइस? ग्रेटर हिमालयाज। सेकंड हिमालयाज इज मिडिल हिमालयाज, एंड द थर्ड हिमालयाज इज लेसर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज गाइस नाम के अकॉर्डिंग ही सबसे हाइट वाले होते हैं, 7000 जो इनकी 7000 मीटर से अबव इनकी हाइट होती है। मतलब ऐसा कोई ये रूल नहीं है कि 7000 मीटर से ऊपर है तभी ये ग्रेटर हिमालयाज। तो एक रीजन डिफाइन कर रखा है आप, मैं चाहता हूँ कि आप इस मेन इमेज पे फोकस करें। तो ये देखें कि येलो पार्ट से अभी मैं हाईलाइट करता चलूँगा। ये देखो आप कि एक ग्रेटर हिमालयाज का आपको, ये देखो ग्रेटर हिमालयाज आपको ब्लू ब्लू सेक्शन दिख रहा होगा, ये ग्रेट। तो ये पूरा जो ग्रेट है ना, ये ग्रेट हिमालयाज, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। इसके नीचे चलते हैं गाइस तो मिडिल हिमालयाज आते हैं। मिडिल हिमालयाज यानी कि हिमाचल प्रदेश वाला एरिया जो हो गया, तो वो है मिडिल हिमालयाज। और सबसे नीचे जो है वो है शिवालिक, यानी कि लो लैंड, जैसे चंडीगढ़ हो गया, कसौली हो गया। तो दिस इज लेसर हिमालयाज, या फिर इसको एक और लेसर हिमालयाज को ही गाइस हम लोग शिवालिक्स बोलते हैं। हाँ, ये ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया, क्योंकि माउंटेन्स पढ़ने के पहले अपने को पता होनी चाहिए। तो अब देखते हैं, ये है नॉर्दर्न माउंटेन्स। ओके गाइस, तो नॉर्दर्न माउंटेन्स को गाइस याद करने का सबसे पहले 1, 2, 3 नंबरिंग याद है कि 1 पे है काराकोरम, देन 2 पे लद्दाख, 3 पे जांस्कर, 4th पे पीर पंजाल, एंड 5th पे धौलाधार।
तो ये देखो सबसे ऊपर है, क्या है सबसे ऊपर? तो सबसे ऊपर है गाइस आपको ये येलो पार्ट, काराकोरम, फॉलोड बाय लद्दाख, देन जांस्कर, देन पीर पंजाल एंड फाइनली धौलाधार। हाँ, धौलाधार इज इन हिमाचल प्रदेश वाला एरिया जो पालमपुर वाला है, तो वो है गाइस। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, मैंने यहाँ नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट लिख रखी है इसको याद करने के लिए। KLPD तो हम सब जानते ही हैं, हाँ फुल फॉर्म मैं नहीं बता सकता यहाँ पे, बट वी ऑल आर अवेयर कि वट KLPD इज। सो KLPD का एक एक्सटेंशन कर लो, KLZPD, काराकोरम लद्दाख, काराकोरम लद्दाख जांस्कर एंड ये हो जाएगा आपका पीर पंजाल एंड ये हो जाएगा धौलाधार। तो ऐसे में ना गाइस याद करने में आसान हो जाएगा। तो एग्जाम में ही पूछे हैं गाइस कि काराकोरम इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, CDS में क्वेश्चन आते रहता है ये। सो ये क्लियर है गाइस, एक बार पिक से भी समझ लेते हैं आज में, मतलब ये चीज़ है। तो अभी हमने बात की थी कि पामिर नॉट्स, सो कि ये है पामिर नॉट। पामिर नॉट का एक एक्सटेंशन है, राइट एक्सटेंशन है हिंदू कुश, जहाँ पे अफगानिस्तान वाले हैं। लेफ्ट एक्सटेंशन है कुनलुन माउंटेन्स। इसके ऊपर क्या है? तो इसके ऊपर कैट वाली टेक्निक हमने लगाई थी, अल्तुन शान एंड देन तेन शान। तो ये याद करने के लिए हो गया। फर्दर देखें तो काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर एंड कैलाश रेंज। तो ये चारों किसके पार्ट थे गाइस? ये चारों किसके पार्ट हो गए गाइस? तो ये हमने देख लिया कि ये पार्ट हो गए ट्रांस के। अगर फिर हम देखें नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट अगर बोलता है, तो याद रखना कि काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल एंड देन यहाँ पे धौलाधार है गाइस, इधर ही धौलाधार है। तो ये ऐसे याद रखना गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्दर्न हिमालयाज। इसके बाद हम लोग चलते हैं फर्दर ईस्टर्न हिमालयाज पे। आपको पता है ना कि हिमालयाज पूरे नॉर्थ से लेके ईस्ट से लेके ईस्ट से होते हुए फिर अंडमान निकोबार तक है हिमालयाज के एक्सटेंशन। तो ईस्टर्न हिमालयाज में गाइस यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट करते हैं गाइस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डाफला हिल्स है, ओके दिस यहाँ पे डाफला के जस्ट ऊपर है गाइस, नंबर टू लिख रहा हूँ और यहाँ पे नंबर थ्री एंड यहाँ पे नंबर फोर। तो नंबर वन इज डाफला, नंबर टू इज मिरी। मैं चाहता हूँ आप इसी ऑर्डर में याद रखें इसको, क्योंकि यही ऑर्डर पूछते हैं कि डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी। तो और इधर जो आपके ईस्टर्न हिमालयाज है ना, इनका एक्सटेंशन कैसे है? तो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ये इनके हिमालयाज का मतलब कि स्लोप ऐसे जा रहा है, हिमालयाज ऐसे जा रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में अपने को याद रखना है डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी। अरुणाचल प्रदेश के बाद देखें नीचे, तो अरुणाचल प्रदेश से जैसे ही नीचे आएंगे तो ये नागालैंड है। नागालैंड में एक हिल है जिसका नाम है पटकाई बुन, पटकाई बुम। तो ये याद रखना गाइस, दैट इज नागालैंड में क्या है? तो पटकाई बुम। और पटकाई बुम के सदर्न साइड पे है नागा हिल्स। ये नागालैंड एज वेल एज नाम से ही पता है नागालैंड में ही होगा अभी नागालैंड। एंड किधर है यहाँ पे, कौन सी स्टेट है गाइस? तो यहाँ पर है गाइस मणिपुर। तो इन दो स्टेट्स में ये है नागा हिल्स। उसके बाद नागा हिल्स के थोड़े और साउथ आएंगे तो वहाँ पे आएगा मिजो हिल्स और लुशाई हिल्स बोलते हैं गाइस इसको। कौन से हिल्स? तो लुशाई हिल्स। हाँ, और ये कौन से स्टेट में आ जाएगा गाइस? तो इट्स इन मिजोरम। फर्दर अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम ये देखें ना, ये जो मैं पोर्शन शेड कर रहा हूँ, तो दिस स्टेट इज मेघालय। तो मेघालय में ना तीन पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं। हाँ, एक है गारो हिल्स, एक है खासी हिल्स एंड द थर्ड वन इज जैंतिया। एक और है गाइस जिसको हम कहते हैं बरेल। ओके, और यहाँ पे ये इस जगह पे ना गाइस, ये जो मैंने अलग टाइप से एक पोल टाइप का स्ट्रक्चर या फिर एक कह लो बल्ली बनाई है, तो इसको हम कहते हैं कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। ओके गाइस, तो ये कार्बी एंगलोंग, ये नाम याद रखना।
मेघालय का एक आइस तीन पैरेलल है, गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों ट्राइब्स भी हैं अपने को पता होनी चाहिए। और खासी हिल्स में मेघालय का कैपिटल भी है और यहीं पे वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस है, दैट इज मौसिनराम और चेरापुंजी। तो ये मैंने ब्रॉड ओवरव्यू दिया है। तो अपने को याद करने के लिए गाइस कैसे याद करेंगे, यहाँ पे अपना ये क्लियर था कि ये चारों हिल्स किधर हैं, तो अरुणाचल में है। देन फर्दर पटकाईबुम इज इन नागालैंड, नागा हिल्स नागालैंड एंड मणिपुर। नागा हिल्स किधर हैं गाइस, तो यहाँ पे हाईलाइट करते हुए चलते हैं। तो नागा हिल्स किधर है गाइस, तो नागालैंड एंड मणिपुर में गाइस। फर्दर अगर हम देखें मिजो हिल्स, तो मिजो हिल्स को लुशाई हिल्स भी कहते हैं और ये मिजोरम में है। उसके बाद गारो, खासी, जयंतिया, बरेल, ये तीन तो मैं चाहता हूँ आप याद रखना, गारो, खासी और जयंतिया। ये मेघालय में है गाइज, और ये तीन ट्राइब्स हैं यहाँ के, फेमस ट्राइब्स हैं। इंसर्जेंसी भी इधर इसीलिए थी, इन ट्राइब्स के कारण ही अलग लैंड चाहते हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी है, गारो, खासी, जयंतिया। एंड इसके बाद एक और आता है रेंज, दैट इज बरेल, और बरेल के नॉर्थ में है आपको कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू। कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू क्यों बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा। तो गाइज, ईस्टर्न हिमालयाज में ये सारे हिमालयाज आते हैं, बट अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मेघालय के जो रही है ना, गारो, खासी, जयंतिया, बरेल और ये कार्बी एंगलोंग, ये चीज़ है ना, ईस्टर्न हिमालयाज के ऐसे जोग्राफिकली तो पार्ट हैं, बट अगर इनके पीछे की अगर जोग्राफी हम समझें तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के पार्ट्स में कंसिडर होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है। क्वेश्चन पूछ देते हैं एग्जाम में कि विच अमंग देम इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर ईस्टर्न हिमालयाज, और उसमें ऑप्शन डाल देंगे तो कन्फ्यूज नहीं होना। अपने को याद रखना है कि गारो, खासी, जयंतिया, बरेल एंड ये क्या लिख दिया, ये एंड कार्बी एंगलोंग, ये जो रेंजेस हैं या जो हिल्स हैं, दीज हिल्स आर पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू। आई होप यू गॉट दिस। हाँ, और एग्जाम में ये ट्रैप क्वेश्चन होता है और हम सोचते हैं कि यार ईस्टर्न हिमालयाज हैं तो ये तो ईस्टर्न हिमालयाज के ही पार्ट होंगे, बट ऐसा नहीं है। तो पेनिनसुलर हिमालयाज गाइज देखते हैं। तो पेनिनसुला गाइज हम लोग कहाँ से कहाँ तक कंसिडर कर सकते हैं, तो ये देखो हिमालयाज, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये पूरा हिमालयाज है। हाँ, इधर ऑब्वियसली यहाँ पे मेघालय है, तो मेघालय पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट है। तो इसके अलावा जो भी है ना, ये पूरा पेनिनसुला है। हमने बचपन से पढ़ते हैं कि लैंड सराउंडेड बाई थ्री साइड्स फ्रॉम वाटर इज नोन एज पेनिनसुला। तो इंडिया एक पेनिनसुला है गाइस, यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल एंड इधर इंडियन ओशन। तो इसको ऐसे याद करने के लिए ओके, तो अब इस पेनिनसुलर इंडिया में ना गाइस बहुत माउंटेन सिस्टम है, बहुत चीज़ें हैं, तो इसको याद करते हैं एक अच्छे तरीके से, क्योंकि इधर से क्वेश्चंस बनते हैं और हम क्वेश्चंस कर नहीं पाते हैं। तो इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स, ये बिल्कुल एकदम मतलब कि कॉन्टीन्यूअस है, वेयर एज ये ईस्टर्न घाट्स है जो कि डाइसेक्टेड है और डिसकॉन्टीन्यूअस है। डिसकॉन्टीन्यूअस क्यों है ईस्टर्न घाट्स, बिकॉज जो यहाँ पे पेनिनसुला है ना अपना, जो इस पोर्शन को भी कंसिडर कर लो, तो जो ये पोर्शन है तो इसका जो स्लोप है लैंड का वो टुवर्ड्स ईस्टवर्ड है, और ईस्टवर्ड होने के कारण जितनी भी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं वो सारी इधर जाती हैं, और इधर जाके यहाँ पे इरोजन करेंगी, हमने पढ़ा है, इरोड करती हैं सरफेस को और यहाँ से बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती हैं। तो इसलिए अपना जो ईस्टर्न मार्जिन है ये डिसकॉन्टीन्यूअस है एज वेल एज इरोडेड है, वेयर एज वेस्टर्न मार्जिन इज कॉन्टीन्यूअस। बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं यहाँ पे, इधर से निकलती हैं और यहाँ अरेबियन सी में ये चली जाती हैं। तो इसी टाइप के ड्रेनेज पैटर्न को भी गाइस हम पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, ये हमने पढ़ा है बट स्टिल। तो वेस्टर्न घाट्स और साउथ वेस्ट मानसून ना गाइस सबसे पहले इधर ही हिट करती हैं, साउथ वेस्ट मानसून। तो इस मानसून के कारण ना ये वेस्टर्न घाट्स बहुत ही मतलब लश्चरस, रिच, ग्रीन बायोडाइवर्सिटी है यहाँ की, बहुत ही ग्रीन बायोडाइवर्सिटी। हाँ, और मतलब वर्ल्ड में 12 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, तो उसमें से एक वेस्टर्न घाट्स भी है। आई वॉन्ट कि इंडिया में ना
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं वर्ल्ड में 12। तो इंडिया के और कौन कौन से वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं? एक तो मैंने आपको बता दिया वेस्टर्न घाट्स, एक और बता देता हूँ हिमालयाज, मेरे को बाकी के दो और बता दो। ओके मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताओ इस बाकी के दो अपने जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, तो उन दो के नाम बताना मेरे को। तो ये है कि वेस्टर्न घाट्स गाइस कॉन्टिन्यूस है और ये मतलब कि बहुत ही रिच ग्रीन है, यहाँ पे अलग ही इकोसिस्टम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है और साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले इधर ही एंटर करता है। तो जी मैप तो मैंने ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा दिया था, आगे चलते हैं। ये मैप मिली मेरे को गाइस, बहुत अच्छी मैप है। अगर हमें वेस्टर्न घाट्स यानी कि पूरा का पूरा पेनिनसुला इंडिया समझना है तो पेनिनसुला इंडिया गाइस लैंड सराउंडेड बाय 3 साइड्स, पानी से सराउंडेड हो तीनों साइड से। तो ये देखो ये अरेबियन सी से, दूसरी साइड यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और नीचे में इंडियन ओशन। तो ये पूरे साइड से सराउंडेड है तो इसको हम कहते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला में ना गाइस सबसे पहले जो देखेंगे तो इधर नहीं है, इसी में देखते हैं। तो सबसे पहले ओके कौन सा कलर यूज करूं? ये रेड कलर देखना गाइस अभी। तो सबसे पहले गाइज हम देखेंगे अरावली रेंज। ये जो अरावली रेंज है ना गाइज, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये गुजरात से स्टार्ट होके ना गाइज दिल्ली तक जाती है। हाँ, और अरावली हिल्स ये किसी टाइम पे बहुत ही बड़े फोल्ड माउंटेंस होते थे, फोल्ड माउंटेंस, बट आज के डेट में ये एक ब्लॉक माउंटेन है। क्यों? क्योंकि अब, और वो भी रेसिडुअल यानी कि अब ग्रोथ नहीं है इस माउंटेन में, ये माउंटेन स्टेबल हो चुका है। अब ये मतलब कि क्या बोलते हैं, इरोड हो रहा है। तो आज के डेट में हम इसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। सो गाइज अरावली इज अ रेसिडुअल ब्लॉक माउंटेन आज के डेट में। और अरावली का ना गाइज हाईएस्ट पीक मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ कि अरावली के हाईएस्ट पीक को क्या बोलते हैं? गुरु शिखर। कहाँ पर है? तो माउंट आबू। ये क्वेश्चन पूछते हैं तो ये याद रखना। अरावलीज के बाद ना गाइज ये देखो, ये जो मैं रेड कलर से विंध्याज है जहाँ पे, ये यहाँ पे तो विंध्याज है। विंध्याज के एक्सटेंशन देखो आप कैसे विंध्याज निकल रहा है। तो विंध्याज और विंध्याज के ऊपर वाले साइड पे आप ये विंध्याज स्क्रैप ये सब चीज़ें काम की नहीं है। विंध्याज के जस्ट नीचे ना एक कैमूर हिल्स है। तो मैं आपको अगर एक डायग्राम दिखाऊं आपको, सो मैं आपको कहूंगा कि ये है गाइस वन, और यहाँ पे लिखते चलते हैं कि वन इज अरावली, यहाँ पर है गाइस टू एंड ये है थ्री। तो नंबर टू इज विंध्या, विंध्यांचल सुना होगा हमने, तो पुराने टाइम में इसको विंध्यांचल कहा जाता था। और ये थर्ड है सतपुरा, तो सतपुरा रेंज और विंध्यन रेंज। तो अरावलीज की हाईएस्ट पॉइंट गाइस गुरु शिखर, अरावलीज के नीचे आता है विंध्या, और विंध्या और सतपुरा के बीच में से गाइस नर्मदा फ्लो होती है, और नर्मदा इधर आके अरेबियन सी में गिरती है। याद रखना गाइस दो मेजर रिवर्स हैं इंडिया की जो वेस्ट फ्लोइंग है, जिनका नाम है नर्मदा एंड तापी। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है तो ये याद रखने के लिए है, नर्मदा एंड तापी टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो सेकंड नंबर पे गाइस जो हम देख रहे हैं ना, ये है विंध्या रेंज, और विंध्या का ही एक्सटेंशन है, और उस एक्सटेंशन का नाम है गाइस कैमूर, बिहार तक जाता है ये। और विंध्याज के साउथ में अगर हम देखें गाइस तो सतपुरा रेंज है, और सतपुरा का ही अगर कह ले, सतपुरा के जस्ट उसका एक एक्सटेंशन है, दैट इज मैकाल रेंज, और मैकाल रेंज और सतपुरा के जस्ट नीचे है दैट इज महादेव। तो मैं आपको यही चीज़ें बताना चाहता था। ये जो इस इमेज में है, इतनी मतलब हिल्स के बारे में जानना ज़रूरत नहीं है।
अपने को विंध्या पता होना चाहिए, विंध्या के बाद सतपुरा, सतपुरा के नीचे मैकाल है और मैकाल के नीचे महादेव, सतपुरा और मैकाल के नीचे महादेव हिल्स हैं। ये चीज़ें काम की थी। अगर हम लोग अब गाइस महाराष्ट्र में नज़र डालते हैं, किधर डाल रहे हैं नज़र अपने को, तो अपने को अब यहाँ देखना है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में ना गाइस सबसे पहले ना एक हिल्स है जिसका नाम हम लोग कहेंगे सतमाला हिल्स। ओके, सतमाला हिल्स, सतमाला हिल्स के जस्ट ईस्टर्न साइड पे गाइस अजंता रेंज, एंड सतमाला रेंज के नीचे, सतमाला हिल्स के नीचे है गाइस हरिश्चंद्र रेंज, एंड हरिश्चंद्र रेंज के जस्ट ईस्ट में है वी हैव बालाघाट रेंज। तो अपने को याद करने के लिए हो गया गाइस कि सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो सतमाला। मैं चाहता हूँ आप मैप आप भी ऐसे ही पढ़ो, सतमाला के ईस्ट में क्या है गाइस, तो अजंता। सतमाला के साउथ में क्या है गाइस, तो हरिश्चंद्र रेंज। एंड देन फाइनल में फोर्थ पोजीशन पे क्या था बताओ, बताओ, मैं भी भूल गया हूँ। तो फोर्थ में इज बालाघाट रेंज। तो ये है गाइस महाराष्ट्र। तो ये चार है, कभी कभार पूछ देते हैं कि ऐसे मैप का लोकेशन दे दिया कि इसके ईस्ट में क्या है। सपोज करो ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि ये वन, ये टू, थ्री एंड फोर, इन चारों के लोकेशन बताओ, और हिल्स दे देंगे और कंफ्यूज कर देंगे। तो वहाँ पे उस केस में ये बहुत ही हैंडी है ये चीज़ है। फर्दर गाइज अगर हम लोग वेस्टर्न घाट्स के ही, अगर हम लोग वेस्टर्न घाट्स पे ही देखते चले, तो हमने महाराष्ट्र का देख लिया। वेस्टर्न घाट्स नीचे की ओर जाते जाते यहाँ पे ना तमिलनाडु में, तो यहाँ पे एक है नीलगिरी, नीलगिरी माउंटेन्स। तो नीलगिरी माउंटेन्स के बारे में याद रखना है, पार्ट ऑफ CAPF का ही क्वेश्चन था इस बार का, या FCAT का क्वेश्चन था कि पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। तो नीलगिरी माउंटेन्स इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, एज वेल एज नीलगिरी माउंट वेस्टर्न घाट्स के हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट क्या है, तो उसका नाम है अनाई मलाई। हाँ, और अनाई मलाई में भी क्या, तो अनाई मूड़ी। ये चीज है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। तो ये देखो, ये हमने पूरा वेस्टर्न घाट्स देखा, ये जो रेड मार्जिन है, तो वेस्टर्न घाट्स लंबा है, नीचे तक आता है। तो और वेस्टर्न घाट्स में ही जो सबसे हाईएस्ट पीक है, मैंने क्या बताया आपको, तो उसका क्या नाम बताया गाइस, तो उसका नाम हमने देखा है अभी कि अनाई मूड़ी हिल्स, अनाई मलाई हिल्स है। और अनाई मलाई हिल्स का भी जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं गाइस, तो अनाई मूड़ी, अनाई मूड़ी हिल्स इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के साथ साथ एक और चीज़ याद रखो कि अनाई मूड़ी इज द हाईएस्ट पीक, अनाई मूड़ी हाईएस्ट पीक है किसका, तो इंटायर पेनिनसुलर इंडिया का, पूरे के पूरे पेनिनसुलर इंडिया का ना गाइस, अनाई मूड़ी इज द हाईएस्ट पीक, इसलिए मैं इसको पहले बता गया। अब हम लोग गाइस देखते हैं क्या देख रहे हैं, तो ये है इंडिया, तो हमने वेस्टर्न मार्जिन देख लिया, हाँ महाराष्ट्र वाला। अब हम देखते हैं गाइस ईस्टर्न मार्जिन। ये ईस्टर्न मार्जिन डेंजरस है, क्यों अभी लग जाएगा पता, साउथ इंडियन नेम्स हमारे पल्ले नहीं पड़ते, तो इधर इसलिए डेंजरस हो जाता है। तो ये नयागढ़ हिल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप गर्जाट हिल्स के लोकेशन देख सकते हो। हाँ, तीन स्टेट्स में ओडिशा छत्तीसगढ़ ऐसे बटा हुआ है इधर, और झारखंड में। तो ये चीज़ है, अभी हम लोग फोकस करेंगे ये नल्ला मल्ला वेनुकोंडा पालकोंडा। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ना साथ में पढ़ो मेरे के, सबसे पहले क्या है नल्ला मल्ला, फिर वेनुकोंडा पालकोंडा, नागारी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, फिर जवाड़ी, फिर शेवरॉय, हाँ फिर पंचमलाई, सिरुमलाई, इतने पलनी इम्पॉर्टेंट है, और ये वर्षुनाथ हिल्स इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सो आई वॉन्ट यू पीपल मेरे साथ चलो, नल्ला मल्ला वेलुकोंडा पालकोंडा जावड़ी शेवरॉय पंचमलाई पलनी एंड दैट्स इट। तो इसको एक याद करने का भी यही तरीका गाइज, एक फ्लो में याद करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या है, तो नॉर्थ टू साउथ याद रखते हैं, तो नल्ला मल उधर ही लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है गाइज,
सबसे पहले है गाइस नल्ला मल्ला, देन वेनुकोंडा, देन पालकोंडा, फोर्थ पे जवाड़ी, फिफ्थ पे शेवरॉय एंड देन सिक्स पे पलनी हिल्स। ये छह इंपॉर्टेंट है गाइस, इसलिए याद रखना। और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट पे है नीलगिरी। वैसे अगर पूछ दे कि नीलगिरी किसका पार्ट है गाइस, तो आप बोलोगे वेस्टर्न मार्जिन का है, वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। और पूरे पेनिनसुलर इंडिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम कहते हैं अनाईमुड़ी। कौन से हिल्स में है? तो अनाईमलाई हिल्स में है। सो ये याद रखने का तरीका है। और अगर कोई कह दे कि नीलगिरी हिल्स का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आप बोलोगे डोड्डा बेटा। नीलगिरी का हाईएस्ट पॉइंट तो आप बोलोगे डोड्डा बेटा। ओके, तो आप ऐसे याद करोगे कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नीलगिरी दैट इज डोड्डा बेटा। तो एक अगर कंपाइलेशन कर देना, तो अगर हम लोग पूरे इंडिया का एक मैप देख ले गाइस। हाँ माफ़ करना, मेरी थोड़ी मैपिंग उतनी अच्छी नहीं है। ओके गाइस, तो ये इंडिया का मैप है हमारा प्यारा भारत। तो सबसे ऊपर में क्या है गाइस? काराकोरम, फिर लद्दाख, देन जांस्कर, फिर यहाँ पे पीर पंजाल, फाइनली क्या है तो धौलाधार, देन काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश को हम क्या बोलते हैं? तो ट्रांस हिमालयाज। दिस इज हिमालयाज, हिमालयाज ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज और शिवालिक्स है, वो भी याद रखना। फिर अगर हम लोग गाइस ईस्टर्न हिमालयाज पे देखें, तो अरुणाचल में सबसे पहले क्या है? डाफला, देन मीरी, देन अभोर, देन मिशमी। वन ऐसे याद रखते हैं गाइस, मैं 1 2 3 4 नंबरिंग कर देता हूँ। तो वन पे क्या है गाइस? डाफला। दो पे मीरी, तीन पे अभोर, फोर्थ पे मिशमी। फर्दर नीचे चलते हैं, यहाँ पे क्या है गाइज? नागालैंड वाले में पटकाईबम। फर्दर यहाँ पे जाएंगे नागा हिल्स, यहाँ पे क्या है गाइज? मिजो हिल्स और लुशाई हिल्स, ब्लू माउंटेन्स भी बोलते हैं गाइज, लुशाई हिल्स। फर्दर अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो ये है गाइस क्या है? ये है गाइस अरावली, ब्लॉक माउंटेन है, पहले फोल्ड माउंटेन्स होते थे। फिर ये देख विंध्याज, ये सतपुराज, विंध्याज सतपुराज। यहाँ पर महाराष्ट्र में नीचे थोड़ा आगे, एक 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 सेकंड गाइस। ओके, तो यहाँ पे गाइस क्या है? तो विंध्याज। इधर क्या गाइस? तो सतपुराज। फिर यहाँ पर अगर हम लोग महाराष्ट्र वाले साइड में देखें, तो एक दो तीन चार, तो एक पे क्या गाइस? तो सतमाला। दूसरे नंबर पे अजंता, थर्ड पे हरिश्चंद्र एंड फोर्थ पे क्या गाइस? तो यार फोर्थ वाले का मैं नाम हमेशा भूल जाता हूँ। फोर्थ पे इज बालाघाट रेंज। ये मेरे को भी याद रखने की जरूरत है। तो फोर्थ पे है बालाघाट रेंज। फिर यहाँ से अपना वेस्टर्न, जो अगर अपना वेस्टर्न मार्जिन चल रहा है, तो वेस्टर्न मार्जिन गाइज यहाँ पर अगर हम देखें ऊपर से भी है, तो यहाँ पे और यहाँ से फिर गाइज ईस्टर्न हिमालयाज में अगर हम लोग देखें, ईस्टर्न घाट्स में देखें, नॉट हिमालयाज, ईस्टर्न घाट्स में देखें, तो यहाँ पर अपने को याद रखने का ज़रूरत है। सबसे पहले गाइज नल्ला मल्ला, देन वेनुकोंडा, वेन्यू और वेलू, वेनुकोंडा,
पालकोंडा, फोर्थ पे जवाड़ी, शेवरॉय, हाँ देखो नल्ला मल्ला, वेनुकोंडा, पालकोंडा, जवाड़ी, शेवरॉय एंड लास्ट में कॉलोनी हिल्स। फर्दर अगर हम देखें तो जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को हम गाइस क्या कहते हैं, तो नीलगिरी। एंड नीलगिरी का जो हाईएस्ट पॉइंट है गाइस उसका नाम है गाइस दोड्डा बेटा। अगर कोई पूछते आपसे कि वेस्टर्न मार्जिन में वह पूरे पेनिनसुला का सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, तो आप बोलोगे अनाईमोड़ी। अनाईमोड़ी किधर है, तो आप बोलोगे इन अनाईमलाई हिल्स। सो ये है गाइस, ये पूरा है अपना हिमालयस, ये नॉट हिमालय, ये पूरा अपना पेनिनसुला इंडिया। सो दैट्स इट गाइस, आई होप यू फाउंड दिस लेक्चर इंटरेस्टिंग। थैंक यू।